हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। और सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता की तरफ से एक काफ़ी अच्छा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये मतलब होटल मैनेजमेंट कोर्सेस से रिगार्डिंग ही है, मतलब कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपको भी पता है काफ़ी मतलब अच्छा इंडस्ट्री है, और यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। उसी के लिए कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस बार, सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ से ये कोर्सेज को करते हो तो आपको मतलब एक तो आपका एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, और ये लोग गाइड भी कर देंगे कैसे कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है इनका जो कोलैबोरेशन है, कॉमन के तरफ से कोलैबोरेशन है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। मतलब कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काफ़ी इनका मतलब अच्छा खासा ब्रांचेज है, तो मतलब जाना माना ये है, वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा जाना माना ये रहता है। तो मतलब आप अगर चाहो तो कर सकते हो ये कोर्स का। तो ये कोर्स के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल जानने वाले हैं, ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, फ़ीस आपका कितना लगने वाला है, प्रॉपर डिटेल होगा तो वीडियो के एंड तक आप बने रह सकते हो। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ओपन करने के बाद, तो जहाँ तक लग रहा है ये कोर्स राघोपुर कैंपस में ही करवाया जाएगा। आपके सामने जो दिख रहा है तो राघोपुर कैंपस सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता का ही पार्ट है, तो राघोपुर कैंपस एक अलग है, मेन कैंपस अलग है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो प्रिंटिंग फैसिलिटीज रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग ऑफ दिस ऑनलाइन फॉर्म। तो मतलब प्रिंटिंग फैसिलिटी मतलब आप ये रहेगा, मतलब जब फॉर्म फिलअप करोगे तो। ठीक है, तो ये एडमिशन ऑफ फीस इज ₹5,000 टू बी पेड विथ इन द लास्ट डेट थ्रू ऑनलाइन मोड। तो जो एडमिशन का फीस रहने वाला है वो 5,000 रहेगा, तो यानी 5,000 आपका फीस रहने वाला है। यहाँ पर बोला गया है नीचे फॉर्म भी कैसे फिलअप करना है वो हम लोग बात कर लेंगे। अगर ये साइट पे आना है तो डायरेक्ट ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट आप आ जाओगे। यहाँ पर जहाँ पर भी रेड कलर का स्टार मार्क किया गया है वो कंपलसरी है। After submitting the form by clicking register, your application code will be display. Make a note of this application code. जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जब रजिस्ट्रेशन के बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपके डिस्प्ले पे एप्लीकेशन कोड दिखेगा, तो उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको आगे काम देने वाला है, इसलिए ये ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोसीड टू द पेमेंट ऑफ फीस। दिस फीस कैन बी पेड ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस पे करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका फीस होगा ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ऑफलाइन कोई जाने की ज़रूरत नहीं है फीस पेमेंट करने के लिए। तो आप फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, ठीक है, या नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो। आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस लॉग इन टू योर एप्लीकेशन टू गेट प्रोविजनल एडमिशन सीट। हाँ ठीक है, तो जब आप फीस पेमेंट कर लोगे तो आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन सीट को डाउनलोड करके रख लेना है, यानी आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फीस जमा करना है, कितना फीस जमा करना है, तो 5,000 रुपीज़ आपका फीस रहने वाला है। तो 5,000 रुपीज़ आपको जमा कर दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या कीजिएगा, आपको सब फॉर्म सबमिट करते टाइम तो एक तो आप एप्लीकेशन कोड को नोट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जब सारा चीज़ें सबमिट हो जाए तो लॉगिन करके प्रोविजनल एडमिशन सीट डाउनलोड कर लीजिएगा। और सातवां पॉइंट में बोला गया है कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस सीट, तो आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। आठवां पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि यू नीड नॉट सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द कॉलेज। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना है कॉलेज में। ब्रिंग द प्रोविजनल एडमिशन सीट एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ कमिसमेंट ऑफ क्लासेस। तो जो भी मतलब जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो आपको प्रोविजनल एडमिशन सीट आपको लेके जाना है, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट भी बोला जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे तो आप क्लासेस आप करना स्टार्ट कर दोगे जब क्लासेस आपका शुरू होगा। प्लीज़ इंटर नेम एग्जैक्टली एज इन द मार्कशीट। जो भी आप नाम लिखोगे आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना, ठीक है, अपना 10th 12th का जो भी मार्कशीट है उस पर देख लीजिएगा। प्लीज़ इंटर करेक्ट एड्रेस, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल एक्सेट्रा विद केयर। मतलब आपको करेक्ट देना है ईमेल एड्रेस या एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी हो उसको सही दीजिएगा, क्योंकि जो आगे का मतलब फर्दर कम्युनिकेशन होगा कॉलेज आपको मेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से वो लोग बता देंगे कब से क्लासेस वगैरह चल रहा है वगैरह वगैरह। बाकी साइट पे भी आप रेगुलरली चेक कर सकते हो।
देख सकते हो आप, आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये कोर्स है आपका सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। कितना दिन का कोर्स है? तो 6 महीने का कोर्स है। इसमें काफ़ी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो इंडस्ट्री आपका है कोलैबोरेशन, वो लोग अच्छा खासा ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं भी उतना श्योर नहीं हूँ, पर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है कोलैबोरेशन है, तो आपको फ़ायदा मिलने ही वाला है। ठीक है, आपको मतलब सिखाया जाएगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हो वगैरह वगैरह, आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी मतलब एक हरदम मतलब ये बंद होने वाला इंडस्ट्री नहीं है, हरदम ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मतलब अच्छा कोर्स है, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप कोलकाता से हो तो आप डेफिनेटली ये कोर्सेज को कर सकते हो, अगर आउटसाइडर हो, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बेसिक डिटेल में नेम आपने डालिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी हो, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कम्युनिटी, ब्लड ग्रुप जो भी है, अगर डिफरेंटली एबल हो तो टिक कीजिएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डाल लीजिएगा। ठीक है, कंट्री जो है स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि भैया मान लीजिए हम लोग संजीवियस कॉलेज कोलकाता के पार्ट नहीं है, मतलब कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए है, सिटी है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट ईमेल, पेरेंट गार्जियन नेम, पेरेंट गार्जियन मोबाइल, फैमिली इनकम जो भी है डाल लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल इफ एप्लीकेबल, अगर नहीं है तो NI लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं दिया गया तो आप नहीं भी भर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस तो यहाँ पर नहीं फिलअप कीजिएगा, अगर कहीं आप वर्क किए हो तो ठीक, नहीं किए हो तो छोड़ दीजिएगा। नेशनलिटी जो है आधार नंबर अपना डाल लीजिएगा, और यहाँ पे अपना आधार नंबर 1000 की सॉरी आधार कार्ड यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा, उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा फ्रंट और बैक साइड का, और यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब एकेडमिक डिटेल जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है तभी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, मतलब इंटर पास हो तब आप एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मतलब मान लीजिए 12th पास आउट हो तो 12th का यहाँ पे मार्कशीट डालना है, मान लीजिए ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन का डालना है। ठीक है, 1000 KB में। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ठीक है, जो भी करेंट में हो, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, डिक्लेरेशन करके यहाँ पे एग्री कीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, तो एप्लीकेशन कोड आएगा, एप्लीकेशन कोड को नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, 5000 रुपया आपको पेमेंट कर लेना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या कर लीजिएगा, आपको उसको प्रोविजनल एडमिशन शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी जब क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आएगा और ईमेल के माध्यम से भी वो लोग नोटिफिकेशन दे देंगे, तो आप क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए, यही था, बाकी अभी कोई लास्ट डेट को मतलब अनाउंस नहीं किया गया, लास्ट डेट कब तक है, तो आप आराम से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो यही है, तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आपको मतलब कोर्सेस रिगार्डिंग जो भी कोर्सेस आपका होता है, आपके लिए बेनिफिशियल जो भी कोर्सेस होगा, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा इस चैनल पे। तो ये चैनल पे आप बने रह सकते हो शुरू से एंड तक, जब आपको यहाँ पे हेल्प किया जाता है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, मेरी कोशिश रहती है आपको अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।